हम लोग आ चुके थे, उसके बाद ये टीटी खेलने चले गए और मैं जस्ट अपना इंस्टाग्राम देख रही थी। इंस्टाग्राम देखते देखते फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा से बातें की, घर वालों से बातें की, और मेरा यही रूटीन होता है। और आजकल मैं नहीं जा रही हूँ, जब ये मतलब नॉर्मली पार्क वगैरह पहले मैं जाती थी पहले, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे क्योंकि वीडियो लेट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी लेट चल रही हैं इस टाइम पे, तो मुझे अपना थोड़ा सा रूटीन मैं टाइम पे लाना चाहती हूँ। हर चीज़ को एक रूटीन भी मैं रखना चाहती हूँ, तो इसलिए। और अभी मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, तो हमने ऑर्डर किया है मसाला कॉर्न और कॉफ़ी। तो आप लोग सोच रहे होगे, तुमने तो मना किया था कि बाहर का नहीं खाओगे, लेकिन कभी कभार चल जाता है यार। आज बहुत मन कर रहा था कि कुछ बाहर का खाने का, तो इसलिए ऑर्डर कर दिया। बहुत दिन तो नहीं हुए, लेकिन वो एक होता है ना, कल ही भी खाया था हम लोगों ने बाहर से, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आने में लेट हो गए थे घर पे, तो फिर भूख भी लगी थी, तो हमने बाहर खा लिया था और अभी हम खा रहे हैं। डालूंगी मैं ये YouTube पे, सच में डालूंगी मैं। कितने सीधे बन गए यार, कितने सीधे बन गए हो। शट अप, यू शट अप, शट अप, शट अप, बड़े आए शट अप करने वाले। हमारे औरैया में कोई भी शट अप बोले थे तो पता क्या कही है, सुनो जब अपनी अंग्रेजी भाषा है ना को और छोड़ के आओ, हिंदी में बोलो तो हिंदी में, ठीक है, ज्यादा बनो तो हो नहीं। क्या बोला? प्लीज आप थोड़ा सा बोलेंगे, क्या बोला आपने? दही घुमाई के घूसा पीठ पे। ये इंसान हंसता नहीं है बिल्कुल भी। चैनल का नाम चेंज कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरा चैनल हो गया। वो आप ही का चैनल है, आपकी मैं हूँ ना, आपकी मैं हूँ ना। Keep your professional life aside। जी जी, अंग्रेज बोले, हिंदी में बोलो थोड़ो, का बोलो थो आपने हमसे, कछु तो बोलो थो। वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विमान नगर, और किस वजह से जा रहे हैं ये लौट के बताऊंगी। और आज है दिन सोमवार, और मैंने सोचा था मैं सोमवार के व्रत कंटिन्यू रखूंगी, पर नहीं हो पाया क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, क्योंकि मैं अंदर से वीक हो रही थी, तो इस वजह से मुझे भूख भी लगती है, तो इसलिए मैंने व्रत अभी छोड़ दिया है। जब मैं थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाऊँगी उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी। तो चलते हैं विमान नगर। तो यहाँ पे मुझे कास्टिंग के लिए मैसेज आया था और फिर कॉल भी आया था कि आपको कास्टिंग के लिए इंटरव्यू, यानी कि आपका एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनेगा, तो आप आ जाओ और कि कास्ट करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग आए थे जस्ट इंटरव्यू देने, उन्होंने पोर्टफोलियो वगैरह मांगा, तो अब देखते हैं। मेरा वैसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमें भूख लगाई थी हल्की सी, तो हम यहाँ पे डोसा खा रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा डोसा मिलता है, विमान नगर में ही है ये। तो मैं, मेरे हस्बैंड डोसा खाएंगे, और इन्होंने पाव भाजी ऑर्डर की थी, और आप देख रहे हैं वो शायद दीदी देख के बोल रहे हैं वो वीडियो बना रही है। और यहाँ पे बहुत से लोग सोचते हैं कि ये वीडियो क्यों बना रही है, और ये हमारा डोसा आ गया, आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी था डोसा। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इनका टेस्ट सच में बहुत गजब का। जरूर आइए। हम लोग घर आ गए हैं और मैं बाहर खड़ी हो गई बालकनी में आके, थोड़ी देर आराम भी कर लिया, और पार्सल वगैरह भी आए हैं कुछ। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मुझे, मैंने एक दो जगह अप्लाई किया होगा मेल के द्वारा, पता नहीं मैंने कहाँ अप्लाई किया, तो मुझे याद भी नहीं था, इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक पे मैंने किया होगा अप्लाई। तो उसके ज़रिए मुझे कॉल आया था, कॉल नहीं सॉरी मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कास्टिंग के लिए। तो पहले मुझे लगा फेक है, तो मैंने पहले सर्च किया उसके बारे में, जब सर्च किया तो उसका नॉर्मली दिखा रहा था कि हाँ है इस टाइप का कुछ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि हम लोग फिर वहाँ पे गए आज विमान नगर में, उसका था तो नॉर्मली उन्होंने पहले एक बोर्ड दिया, बोर्ड में आपको अपना नेम, एज, लैंग्वेज, कॉन्टेक्ट नंबर, एक्सपीरियंस
और बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, सिंपल से अपने बारे में चीज़ें कुछ मेंशन करके उस बारे में बोलना था, और वो वीडियो बनाएंगे और पीछे से आपकी फ़ोटोज़, फिर उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ क्लिक होंगी, देन आपको फिर वो आपके बारे में मतलब पूछेंगे। तो ये किस तरीके की थी, लाइक आपको मॉडलिंग, एक्टिंग, और फिर उन्होंने पोर्टफोलियो के लिए भी बोला उन्होंने, तो उसके लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करना है, और हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग घर छोड़ने वाले हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ मजबूरी सी आ गई है, तो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा। अभी मैं एकदम से उठी हूँ, अब थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और बैकग्राउंड में बहुत म्यूज़िक बज रहा है, पता नहीं कहाँ ही सॉन्ग बज रहा है ये। और अभी मैं ना लाइट ऑन करूँगी सब जगह की, थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे, आके थक गए थे थोड़ा सा। अब जल्दी से सुबह उठने का एक नियम बनाया है, सुबह जल्दी उठते हैं और रात में जल्दी सो जाती हूँ मैं। मेरा तो ये कन्फर्म हो गया कि मैं जल्दी सो जाती हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ा लेट सोते हैं, तो ये भी इनका थोड़ा रूटीन सही नहीं बन पा रहा है। बन जाएगा यार, इनके ऊपर प्रेशर भी होता है बहुत ज़्यादा काम का, जॉब का, तो इस वजह से मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। बोलने के बाद बोल रही हूँ, मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, पूजा पाठ करूँगी अपनी, उसके बाद खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है, और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, बहुत ठंडक हो रही है, पता नहीं मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। और आप मेरी आँखों को नोटिस मत कीजिए, मेरी आँखों में काजल लगा, तो मैंने अभी धुल के आई फेस से, मतलब सॉरी पानी से फेस धुल के आई, तो ऐसा हो गया। और मेरी आजकल पता नहीं हिंदी को भी क्या होता जा रहा है। तो अभी मैंने ना सब्जी वगैरह कट कर ली है, और मैं अभी बात कर रही थी, उस चक्कर में अभी गाने भी बज रहे हैं, हो सकता है मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कॉपीराइट का आ जाएगा, और म्यूज़िक जहाँ बज रहा है वहाँ पे बंद नहीं करा सकती। तो चलो मेरी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, खास नहीं कुछ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, और नॉर्मली मेरी बैंगन आलू की सब्ज़ी कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने टमाटर और प्याज कट करके, लहसुन कट करके, जीरा, मेथी और हींग से छौंका लगाया था, और फाइनली मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है एक तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।